तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बागड़धाम के बिल्कुल सामने और यहां जो मेले की तैयारी चल रही है उसका व्यू पूरा का पूरा मैं आपको दिखा रहा हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको गोरख टीला से गोगामेड़ी स्थल तक रास्ते के टोटल व्यू है वो दिखा दिए, किस हिसाब से तैयारी है वो चल रही है। और मैं निकला हुआ हूँ अभी संपूर्ण बागड़ दर्शन के लिए। 3 दिन की मेरी जो ट्रिप है उसका आज पहला दिन है और आज की जो नाइट है वो मेरी गोगामेड़ी रहने वाली है। और जो बागड़ मेला 2024 है दोस्तों उसकी तैयारी है उसका व्यू आप सामने देख पा रहे हो। जो बड़े बड़े पिलर्स है वो यहाँ लगा दिए गए हैं और जो साइड में जालियाँ लगने वाली है उसका भी व्यू सामने देख पा रहे हो, वो भी यहाँ आ चुकी है। ये बागड़ धाम के बिल्कुल सामने का व्यू है और यहाँ से ये लाइन होते हुए आगे मंदिर में जाने वाली है। जो भी भक्त यहाँ दर्शन के लिए पहुँचेंगे वो इसी रास्ते का उपयोग करते हुए मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। चलिए आगे ले चलता हूँ और आगे क्या कुछ व्यू है, क्या कुछ तैयारी है, कितना कार्य पेंडिंग है, कितना कार्य हो चुका है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सामने जूम करके दृश्य दिखा रहा हूँ, वहाँ काफ़ी बड़े बड़े जो जनरेटर्स है दोस्तों वो भी आ चुके हैं। और ये परिसर अभी तक पूरा खाली है क्योंकि दोस्तों दोपहर का समय हो चुका है। सामने छोटी छोटी दुकानें हैं वो भी लग चुकी है, इनके जो मालिक है वो अभी बैठे हुए नहीं है। एक बाबा बैठे हैं इस साइड जो छतरी लेके, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ गिर रही है अभी। और जो पेड़ है दोस्तों उसके नीचे काफ़ी भक्त यहाँ आराम करते हुए देख पा रहे हो आप। यहाँ भी काफ़ी दुकानें हैं, छोटी फुटपाथ पे जो सामान बेचने वाले हैं वो लग चुकी है। और आगे स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा खड़ा कर दिया गया है। ये देखिए इन स्ट्रक्चर के आगे अभी लकड़ी के बांबू है वो और गाड़ने वाले हैं ताकि इसके अंदर डायरेक्ट एंट्री न हो। इनके गेट है दोस्तों इंटर होने के लिए वो आगे रहने वाले हैं। और यहाँ ये जालियाँ लगने वाली है, जो बड़े बड़े आप लोहे के ढेर देख पा रहे हो। ये देखिए आगे इस साइड जो बांबू है वो गाड़ दिए गए हैं और जालियों का काफ़ी बड़ा ढेर यहाँ पहुँच चुका है। हर साल जैसे मेले में पहुंचता है वैसे ही इस साल पहुंचा है। और मंदिर परिसर के अंदर भी दोस्तों बैरिकेटिंग होने वाली है, वहां अभी तक कोई भी तैयारी नहीं है ऐसी बैरिकेटिंग की, कुछ दिन के बाद होने वाली है। ये देखिए पूरा का पूरा जो प्रांगण है मंदिर के सामने वाला उसको अस्थायी टेंट में तब्दील कर दिया गया है। ये आपको जूम करके दृश्य दिखा रहा हूँ दोस्तों। इसी साइड झूला ग्राउंड है जिसकी वीडियो मैंने यहाँ आते ही सबसे पहले अपडेट की है। और यहाँ दोस्तों फुटब्रिज बन रहा है पहला। ये फुटब्रिज पहला कहाँ बन रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। धानक समाज की जो धर्मशाला है उसके सामने से जो रास्ता आ रहा है उसी के ऊपर बन रहा है। और यहाँ भी मिट्टी के कटाव है, बारिश के कारण वो काफ़ी बड़े लग चुके हैं। ये देखिए इसका जो कार्य है वेल्डिंग का वो काफ़ी तेज़ गति से स्टार्ट है। अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है तो वर्कर यहाँ नहीं है क्योंकि लोहा है वो काफ़ी गर्म है यहाँ। इसके पीछे भी दोस्तों देख पा रहे हो आप जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा हो चुका है। यहाँ मिट्टी भराई का कार्य है वो भी साथ के साथ स्टार्ट है। ये देखिए मिट्टी की ट्रॉलियाँ हैं वो यहाँ डाली जा रही है ताकि जो खड्डे हैं उनको भरा जाए। ये आ चुका हूँ मैं मुख्य रोड पे और इस साइड से मैं आपको दूसरा जो फुटब्रिज है जहाँ बनने वाला उस साइड ले चलता हूँ। यहाँ की दुकानें दोस्तों वो देख पा रहे हो पूरी की पूरी सामान से खचाखच भर चुकी है। और सबसे ज्यादा बाहर आपको क्या देखने को मिलने वाला है, बाबा का जो निशान है नीला घोड़ा। ये देखिए सामान से पूरी की पूरी दुकानें वो पैक हो चुकी है। और काफी आइसक्रीम है, गोलगप्पे हैं, गन्ने के जूस है, मौसमी के जूस है, सब के सब यहाँ आ चुके हैं। हजारों की संख्या में यहाँ लोगों का जो रोजगार है वो चलता है। इस मेले में एक महीने यहाँ काफ़ी बड़ा व्यापार होता है। और ये देखिए यहाँ एक दीवार है वो बनाई जा रही है ताकि मिट्टी के जो कटाव है वो बार बार न लगे। और यहाँ सेकंड जो फुटब्रिज है वो लगने वाला है दोस्तों। चलिए आगे कोई रास्ता होगा मैं आपको वापस अंदर जाके यहाँ का पूरा दृश्य वो दिखा देता हूँ। और इससे आगे दोस्तों फुटपाथ पर इस साइड जो सामान बेचने वाले हैं वो यहाँ आ चुके हैं और पूरे एक महीने इनकी दुकान यहीं रहने वाली है। ये रास्ता दोस्तों झूला ग्राउंड की ओर जा रहा है। ये पीछे झूले लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं जो अभी लगना स्टार्ट हो चुके हैं, उसकी पूरी कवरेज मैंने डाल दी। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। यहाँ एक कट है दोस्तों, इसके अंदर चला जाता हूँ मैं। ये आ चुका हूँ दोस्तों और सेकंड जो फुटब्रिज बनने वाला है उसका सामान यहाँ आ चुका है, ये सामने पड़े हैं। और यहाँ जो फुटपाथ पर सामान बेचते हैं उन्होंने अपने वस्त्र है वो इसके ऊपर सुखा रखे हैं। ये देखिए सीढ़ियाँ, यही सब की सब यहाँ फिट होने वाली है। ये चारों ओर का व्यू, ये देखिए सामने जो रेलिंग है वो लग चुकी है। और ये कहाँ खड़ा हूँ मैं, गौशाला के बिल्कुल सामने दोस्तों। और इससे पीछे जो टेंट है वो नहीं लगने वाला, सिर्फ लकड़ी के बाम्बू है वो गाड़ने वाले हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में दृश्य दिखाया था, यहाँ ट्रैक्टर है वो लगा हुआ है। तो मेले की तैयारी है वो लगभग पूर्ण हो जाएगी कुछ ही दिनों में। यहाँ देखिए दोस्तों कितना बड़ा कटाव बारिश के कारण लगा है। मिट्टी से 4 रद्दे जो ईंटों के लगे हुए हैं वो यहाँ बाहर आ चुके हैं और पूरी की पूरी मिट्टी है वो आगे रोड पे चली गई है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, जो मुख्य दरवाजा है वहाँ ये आप देख पा रहे हो दोस्तों। राजस्थान की जो मिट्टी है वो बालू मिट्टी होती है और पानी के कटाव से, हल्के से कटाव के कारण ये पानी के साथ चली जाती है। ये देखिए यहाँ रस्सियों से इन लकड़ी के बड़े बड़े बाम्बू हैं उनको बांधा जा रहा है। और इसके सामने भी दुकानें हैं फुटपाथ वाली वो लगी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देख रहे हो वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म, भरोसे का दूसरा नाम, वही चैनल जो काफ़ी सालों से गोगामेड़ी की हर एक जो घटना है, जो लाइव कवरेज है आपके साथ शेयर कर रहा है। ये देखिए यहाँ भी काफ़ी बड़े बड़े खड्डे हैं वो हो चुके हैं। जैसे पीछे दृश्य दिखाया था वैसा ही दृश्य दोस्तों यहाँ है। यहाँ की भी मिट्टी है वो पूरी की पूरी निकल गई है दोस्तों। जो भक्त बागड़ मेले में पहुंचने वाले हैं इस साल और कितनी तारीख को पहुंचने वाले हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और कितने साथियों के साथ पहुंच रहे हैं, क्या क्या सावधानी बरतने वाले हैं, जो मैंने आपसे यहाँ के लिए सफाई के लिए अपील की है, हवन के लिए अपील की है, क्या आप उनको फॉलो करने वाले हैं या नहीं, उसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में दें। और हो सकता है कोई मुझे जानकारी या कोई आपकी ऐसी एडवाइस जो अच्छी लगे, आने वाले वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट भी और जो भक्त भेज रहा है उसकी पूरी की पूरी डिटेल भी डालूं। अगर आप वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म को कोई संदेश देना चाहते हो, भक्तों को कोई संदेश देना चाहते हो, तो आप अपना शॉर्ट वीडियो लगभग 1 मिनट का बनाकर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। मैं अपने वीडियो के अंदर उसको स्थान देने वाला हूं। चलिए दोस्तों इस साइड में बाहर निकल जाता हूँ। यहाँ की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपके साथ मैंने शेयर कर दी है दोस्तों। पीछे आप मेरे देख पा रहे हो पूरा का पूरा दृश्य है वो मैंने आपको दिखा दिया है। बागड़ मेला 2024 की जो तैयारी है वो देवस्थान विभाग काफी तेज गति से यहाँ कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में आगे की बागड़धाम के अंदर के दर्शन के साथ। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद और बने रहिए वीपीएन के साथ।